हेलो बच्चों, दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर क्लास एट। क्लास एट के लिए मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें पहला चैप्टर आपका होता है क्लास एट फिजिक्स में फोर्स एंड प्रेशर। ओके, सो आज पूरा का पूरा डिस्कशन जो होगा वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होगा कि फोर्स क्या है। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि फोर्स आपको क्या बताता है। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊँगा, एग्जाम्पल से चीज़ें आपको रेलेवेंट होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग एंड पुलिंग। इन सारे वर्ड को फिर से ध्यान से देखते हैं। पिकिंग, किसी चीज़ को आपको क्या करना हो, पिक करना हो, उठाना हो, तो आप क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं। जैसे कोई डस्टर रखा हुआ है, उसको उठाना, तो आप अपनी तरफ क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं। ओपनिंग, अगर आपको दरवाजे को या किसी मॉल में जाएँ तो जो शीशे का दरवाज़ा होता है उसको क्या करना होता है, उस पर लिखा होता है पुश या पुल, तो उसमें या तो आपको धक्का देना हो या अपनी तरफ खींचना होता है। क्लोजिंग मीन्स, ठीक है, किकिंग, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होते हैं कि फुटबॉल को आप पुश करते हैं, लात से अपने मारते हैं। ठीक है, हिटिंग, क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो, अपने बल्ले से बॉल को मारते हो। फिर इसी तरह से लिफ्टिंग है, कोई भारी सामान है आपको उठाना है या वेट लिफ्टिंग करना है, तो यू आर पुलिंग द थिंग्स अपोजिट टुवर्ड्स योर साइड। ओके, इसी तरह पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, ये सारे एक्शन ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, ये सब किस लिए करते हैं हम, किसी कार्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। ठीक है, ईच ऑफ दिज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब करने का एक ही और एक ही रीज़न होता है कि हम मोशन, जो स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट का, स्टेट मतलब जिस अवस्था में है, उसको क्या करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं। ऐसा समझिए कि कोई पत्थर रखा हुआ है ज़मीन पर, उसे हम उठाएं और फेंकें, तो क्या हुआ है कि पहले तो उठाएं तो उसकी पोजीशन बदल गई, और जब आपने फेंक दिया तो उसका मोशन भी बदल गया। पहले वो रेस्ट में था, फिर जब उसे उठा के जब उसे आपने फेंक दिया, लिफ्ट किया पहले, फिर उसको पुश किया, तो उसमें क्या हुआ, उसका पोजीशन और मोशन दोनों चेंज हो गया। ठीक है, तो फोर्स को एट दिस स्टैंडर्ड क्लास एट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करें, पुश और पुल करें, तो क्या होता है, फोर्स होता है। आप कहेंगे सर इतना सारा आपने वर्ड यूज़ किया, पिकिंग, लिफ्टिंग, प्लकिंग, तो सब देखो बच्चा, ये सारे के सारे वर्ड्स किस में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड में आ जाते हैं, किस में, पुशिंग और पुलिंग में ही आते हैं। इसको थोड़ा सा आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि ये सारे वर्ड कैसे पुशिंग और पुलिंग में, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, ठीक है, या डोर का या विंडो का, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हो, या तो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। किकिंग में क्या कर रहे हो, आप बॉल को पुश कर रहे हो। हिटिंग में भी आप बॉल को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। जैसे हिटिंग में अलग अलग तरीके के शॉट होते हैं, जैसे पुल शॉट, तो उसमें क्या करते हैं, बॉल को पुल करते हैं अपने से दूर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, अब आगे इसके एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि टग ऑफ वॉर, ठीक है, टग ऑफ वार देखे होंगे, एक रस्सी होता है, दो टीम बनाई जाती है, दोनों को खींचना होता है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है, और ये रस्सी आपका, और इधर भी क्या है, दो लोग हैं, अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगे, इक्वल फोर्स, तो क्या ये रस्सी मूव करेगा या इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग आएगी, कोई आदमी हिलेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, जितना इधर उतना ही उधर, और ये इसकी रस्सी की स्टेट जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है कि हम पुश और पुल तो कर रहे हैं दोनों, ये भी पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है, बट इट डज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, एक दूसरे के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। अगर समझ लो कि इधर वाले ज़्यादा फोर्स लगा दे, तो क्या हो जाएगा, रस्सी इधर की तरफ आ जाएगा और ये विनर हो जाएंगे। ठीक है, यानी उनकी पुलिंग फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इनका फोर्स क्या है, ज़्यादा। इसी तरह कोई कार है, उसको आप धक्का दे रहे हो, तो आप इसके पोजीशन में चेंजिंग कर रहे हो। ठीक है, अब समझते हैं इस एग्जांपल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्टिविटी टेबल है, आप भी भरिएगा, मैं एक दो एग्जांपल इसमें से देता हूँ। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, अगर आपको क्या करना है, कोई बुक रखा हुआ है मेज पर, उसे क्या करना है कि मूव करना बिना उठाए, तो आप क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबली पुलिंग तो करोगे नहीं, या तो अपनी तरफ खींचोगे या पुश करोगे, दोनों बात हो सकती है। उसी तरीके से ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ठीक है,
जैसे पुशिंग पुलिंग आप यहाँ पर बताया है, ठीक है। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, इसमें भी क्या करेंगे आप, पुश करेंगे और पुल करेंगे। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो क्या करेंगे उसमें से पुल करेंगे। इस तरीके से इन सारे एक्शंस में हम क्या दो चीज़ मिला सकते हैं, या तो आप क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या होता है, पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब होम असाइनमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।